के सामने नहीं की जा सकती। गांधी जो थे वो देश को आजाद कराए, देवी देवताओं से देश आजाद नहीं हुआ है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ जितनी मूर्तियां लगी हैं और जितने देवी देवता रहेंगे, आपको मैं बता दूं, या देश धर्म निरपेक्ष है या देश हिंदू राष्ट्र तो है नहीं। और दूसरी बात कि केजरीवाल जी सिर्फ कह रहे हैं, उनकी हिम्मत नहीं कि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ सारी जातियों सारे धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वहाँ किसी हिंदू देवी देवता की मूर्ति लगेगी? कॉलेज नहीं देखा। हम तो ये कहना चाहते हैं कि जितने मंदिर इस देश में हैं सारे मंदिरों को ट्रस्ट बना दिया जाए और सारे मंदिरों से जो गहने और पैसे हैं निकाल के चिकित्सा और शिक्षा में लगा दिया। मंदिर से ही क्यों, मस्जिद से भी होना चाहिए। सबसे चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, किसी भी। लेकिन आप तो सिर्फ मंदिर का नाम लिए। मंदिरताओं की मूर्ति लगाने के बाद वो नोट से मांस खरीदे जाते हैं, वो नोट शादियों में उड़ाए जाते हैं, वो नोट मदिरा का यूज होता है, नस्ली दवाएं खरीदी जाती हैं। क्या क्या गलत काम और सही काम होते हैं, तो आप बताइए कि क्या उन देवी देवताओं का अपमान नहीं होगा? जब अरविंद केजरीवाल का बयान सिर्फ इतना था कि देवी देवताओं का आशीर्वाद होना भी जरूरी है और व्यवस्था कमजोर हो रहा है, क्या पता कि यदि हम हिंदू देवी देवताओं का फोटो लगा दें तो उनकी कृपा बरसनी शुरू हो जाए। यदि मैं मंदिर मस्जिद पे डिबेट नहीं करता हूं, कभी भी नहीं किया हूं, चूंकि यह मसला था भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर और अरविंद केजरीवाल के बयान को लेकर। नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप, और 2024 का चुनाव जैसे जैसे सर पे आ रहा है, सभी पार्टियां अपनी अपनी जो कमर है कस चुकी हैं और बयानबाजी अब धीरे धीरे तेज हो रही है। अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को कटघरा में खड़ा करने के लिए, अगर फिलहाल में, हाल फिलहाल में जो सोशल मीडिया पे चल रहा है उसको, उसके मद्देनज़र हम यही कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करने के लिए एक नया तीर फेंक दिया है उन्होंने। दिवाली के जस्ट बाद अरविंद केजरीवाल जनता के सामने आते हैं और कहते हैं कि इस वक्त भारतीय रुपया कमज़ोर हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, और चूंकि भारतीय रुपया कमज़ोर हो रहा है इसकी वजह से कई सारे प्रयास भारत सरकार कर रहे हैं और सारा प्रयास कहीं ना कहीं एक ठंडे बस्ते की तरफ चला जा रहा है, तो देवी देवताओं का आशीर्वाद भी जरूरी है। और उसी आशीर्वाद के मद्देनज़र उन्होंने भारत सरकार को और ख़ासकर मोदी जी को यह सुझाव दे डाला कि भारतीय नोटों पर गांधी जी के साथ साथ गणेश जी और लक्ष्मी जी की भी फोटो होनी चाहिए, देवी देवताओं का आशीर्वाद भी होना चाहिए। इसी को लेकर आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं संजय यादव जी, समाजवादी पार्टी के नेता हैं और पूर्व छात्र नेता, गोरखपुर विश्वविद्यालय के भी रह चुके हैं और अपने आप में एक प्रखर वक्ता भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका। नमस्कार। जिस राजनीति को, भारतीय जनता पार्टी के जिस राजनीति को खत्म करने के लिए अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए, उसी राजनीति पे कहीं ना कहीं चलते हुए नजर आ रहे हैं, ये लक्ष्मी जी और गणेश जी वाला फोटो का कॉन्सेप्ट आपको कितना समझ में आ रहा है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो की आप बात करते हैं, जरा आप सोच लीजिए कि केजरीवाल जी जो सुझाव दे रहे हैं कि भारतीय नोटों पे मूर्ति होनी चाहिए लक्ष्मी जी की और गणेश जी की, फोटो होनी चाहिए, आप जरा बताइए, यह देश धर्म निरपेक्ष है या देश हिंदू राष्ट्र तो है नहीं? और दूसरी बात कि केजरीवाल जी सिर्फ कह रहे हैं, उनकी हिम्मत नहीं कि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ सारी जातियों सारे धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वहाँ किसी हिंदू देवी देवता की मूर्ति लगेगी। और दूसरी बात कि किसी देवता की मूर्ति लगेगी तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि देवताओं की मूर्ति लगाने के बाद वो नोट से मांस खरीदे जाते हैं, वो नोट शादियों में उड़ाए जाते हैं, वो नोट मदिरा का यूज होता है, नस्ली दवाएं खरीदी जाती हैं। क्या क्या गलत काम और सही काम होते हैं, तो आप बताइए कि क्या उन देवी देवताओं का अपमान नहीं होगा? जब जानते हैं कि शादियों में नोटों को लोग उड़ाते हैं, जो धनाढ्य लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो नोट को उड़ा के मजा लेते हैं और उस नोट को पैर के तले दबोचते हैं, तो ऐसा बयान केजरीवाल जी के शोभा नहीं देता। और केजरीवाल जी एक चालाकी भरा बयान दिए हैं, भारत में कभी भी, आज नहीं कल, न भूतो न भविष्यतो, कभी भी हिंदू धर्म हिंदू राष्ट्र हो नहीं सकता और कभी हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति की तुलना गांधी के सामने नहीं की जा सकती। गांधी जो थे वो देश को आजाद कराए, देवी देवताओं से देश आजाद नहीं हुआ है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ जितनी मूर्तियां लगी हैं और जितने देवी देवता रहेंगे, आपको मैं बता दूं, मेरे गाँव पे दुर्भ आश्रम है और आप अच्छी तरह जाके देख लीजिएगा, गणेश चौराहे के बगल में देवराव बाबा की फोटो लगा के और रोड पे जमीन का कब्जा हुआ है, मनो सड़क पे वो देवराव बाबा की फोटो लगी हुई है
और ये बताए जाम लगता है तो पूरा का पूरा कोई महिला प्रेग्नेंट है यदि गाड़ी में है तो जाम के नाते घटना हो सकती है। आपको दिक्कत काहे हो रही है संजय जी? अगर मान लीजिए जैसे कि बार बार हिंदू संस्कृति की बात हो रही है, बार बार हिंदू देवी देवताओं की बात हो रही है, बार बार राम मंदिर की बात हो रही है, बार बार सनातन को बढ़ाने की बात हो रही है, और भारत जाहिर सी बात है कि धर्म निरपेक्ष देश है, लेकिन यह भी सही है कि पिछले कई दिनों से, पिछले कई सालों से कहीं ना कहीं धार्मिक राजनीति के मद्देनजर भाजपा हावी पड़ी है, क्योंकि भारत हिंदू बाहुल्य देश है, हिंदू राष्ट्र नहीं है लेकिन हिंदू बाहुल्य देश है और कई सारे लोगों की आस्था है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ये तो नहीं कहा ना कि उससे, अरविंद केजरीवाल का बयान सिर्फ इतना था कि देवी देवताओं का आशीर्वाद होना भी जरूरी है, अर्थव्यवस्था कमजोर हो रहा है, क्या पता कि यदि हम हिंदू देवी देवताओं का फोटो लगा दें तो उनकी कृपा बरसनी शुरू हो जाए। यदि केजरीवाल जी ये बात कहते हैं, आप कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था ठीक होगी, नहीं मैं नहीं कहता, अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि इस देश में जितने भी मंदिर मस्जिद हैं छोटे या बड़े, आप अच्छी तरह जानते हैं कि गुरुद्वारों में लंगर चलता है, मैंने तो किसी मंदिर में शानदार कॉलेज नहीं देखा। हम तो ये कहना चाहते हैं कि जितने मंदिर इस देश में हैं सारे मंदिरों को ट्रस्ट बना दिया जाए और सारे मंदिरों से जो गहने और पैसे हैं निकाल के चिकित्सा और शिक्षा में लगा दिया। मंदिर से ही क्यों, मस्जिद से भी होना चाहिए, सबसे, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, किसी भी। लेकिन आप तो सिर्फ मंदिर का नाम लिए, मंदिर का इसलिए नाम ले कि आप हिंदू धर्म की बात आ रही है। नहीं, अगर आप मंदिर की, मंदिर को ट्रस्ट बनाना चाहते हैं तो मंदिर के साथ मस्जिद, हालांकि देखिए इस तरह का मैं डिबेट करता नहीं हूँ, एक मिनट संजय जी रोकूंगा आपको, मैं मंदिर मस्जिद पे डिबेट नहीं करता हूँ, कभी भी नहीं किया हूँ, चूंकि यह मसला था भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर और अरविंद केजरीवाल के बयान को लेकर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यदि आप मंदिर को ट्रस्ट बनाने की बात कर रहे हैं तो सिर्फ मंदिर को ही ट्रस्ट क्यों बनाया जाए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वार चर्चा जो भी चीजें हैं, इस देश की गरीबी खत्म करनी है, इस देश की अशिक्षा खत्म करनी है, तो उन पैसों को निकाल के जैसे आप कह रहे हैं कि उससे बढ़ेगा, तो पैसा तो वही है, वो सरकार ऑब्जर्वर बैठा दे और उस पैसे को निकाल के चिकित्सा और शिक्षा में खर्च कर दे और JNU जैसा विश्वविद्यालय बनवा दे। आप अच्छी तरह जानते हैं गोरखपुर में आप खड़े हैं, क्या यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं खुली लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुल गई। तो इसलिए शिक्षा चिकित्सा को सस्ता करना चाहते हैं तो खाली फोटो लगा देने से देवी देवताओं का रुपये पे नहीं हो सकता। इस देश की अर्थव्यवस्था को सुधारना है तो उस पैसे को निकालिए, मंदिरों से निकालिए और गरीबों में खर्च कर दीजिए। आप बार बार सिर्फ मंदिरों का नाम ले रहे हैं, मस्जिदों का भी तो नाम लेना चाहिए। मंदिर मस्जिद दोनों की बात मैं कर लेता हूं, लेकिन मंदिरों की बात इसलिए आ जा रही है कि हिंदू कॉन्सेप्ट की बात आ रही है। और एक बात जान लीजिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि लाख मंदिर बन रहा है और लोग कहते हो कि भारतीय जनता पार्टी ने बनवाई, कोर्ट के निर्णय के आधार पर राम मंदिर बन रहा है, किसी सरकार ने नहीं बनवाया, कोर्ट का निर्णय है तब बन रहा है। ये कोर्ट का निर्णय बीजेपी के इराज में आया, ये तो सवाल उठ रहा है। इराज में भले आया हो लेकिन कोर्ट का निर्णय है और कोर्ट के निर्णय पे ही राम मंदिर बन रहा है। कहीं कोई सरकार कह नहीं सकती कि हम बनवाए हैं और हम सरकार ने बनवाई है, कोर्ट के आधार पे बना है। इसलिए ये जो केजरीवाल जी बोल रहे हैं बार बार, वो बात बताइए, संजय जी एक बात बताइए, समाजवादी पार्टी भी बीजेपी को हराना चाहती है और अरविंद केजरीवाल भी बीजेपी से ही लड़ रहे हैं, गुजरात में चुनाव है, क्या दिक्कत है यदि, अगर मतलब कि आप यहाँ पे तो अरविंद केजरीवाल को गलत ठहरा रहे हैं, क्या दिक्कत है अगर अरविंद केजरीवाल किसी भी पॉलिटिक्स को खेलते हुए अगर बीजेपी को बैकफुट पे लाते हैं, अगर उसको हराते हैं, एक बात सुन, आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या दिक्कत है? नहीं है, लेकिन केजरीवाल जो बात कह रहे हैं वो हिंदुस्तान में हो नहीं सकता, वो एक सिगुफा छोड़े हैं। जैसे इन लोगों ने कहा था कि खाते में 15 लाख रुपए आएंगे और 15 रुपए नहीं आए, वैसे ही केजरीवाल जी बयान दे रहे हैं। केजरीवाल जी इसी तरह का बयान दे रहे हैं कि होना तो है नहीं, एक बयान दे दो, एक सिगुफा छोड़ दो। सोशल मीडिया पे आपको पता है इस बयान को लेके क्या चल रहा है? कुछ भी चल रहा हो, लेकिन भोजपुरी में कहावत है, हाँ बताइए, लोहवा लोहवा काटेला, ठीक है, लोहा लोहा को काटने की बात कर रहे हैं, लेकिन अच्छी तरह जान लीजिए कि यह देश धर्म निरपेक्ष है, सारी जातियों सारे धर्मों के लोग। इंडोनेशिया का नाम सुने हैं आप? हाँ ठीक है, सुने। इंडोनेशिया मुस्लिम राष्ट्र है, मैं आपको बता दूं, और वहाँ पे, वहाँ की नोट पे लक्ष्मी जी की फोटो है, ठीक है, लक्ष्मी जी की फोटो इंडोनेशिया में है, लेकिन भारत में कभी हो नहीं सकता, ये तो मैं मान के चलता हूँ, यहाँ नहीं हो सकता, वहाँ के लोग मानते हो कर लिए हो, यहाँ नहीं हो सकता। और लेकिन लोग तो यह भी कहते थे कि 370 भी नहीं हट सकता, लेकिन हटा दिया बीजेपी वालों ने। 370 बड़ा जबरदस्ती, बड़ा गुंडाई के बल पे हटा, एक बजा लीजिए, सही सही, अच्छा हुआ कि नहीं हुआ है, और कोर्ट भी 370 हटा, अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, अच्छा हुआ, इसमें बुरा नहीं कहते, लेकिन ये कोर्ट भी दबाव में चला। अभी आपको मैं बता दूं, आज ये मेडिकल एडमिशन हो रहा था, मैंने देखा कि प्राइवेट सेक्टर में असर नहीं है और वही EWS का असर पूरे प्रदेश में चल रहा है, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा हो रहा, होने दीजिए, देखते रहिए, लेकिन अच्छी तरह जान लीजिए कि 24 में बदलाव होने जा रहा है।
24 में बदलाव होगा 100%। लेकिन हम कैसे मान ले कि बदलाव होगा, अब ये बताइए, समाजवादी पार्टी और जितने भी विपक्ष के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी छोटे से छोटे चुनाव में हाई लेवल का मीटिंग कर रही है, हाई लेवल की तैयारी कर रही है, उनके संगठन के लोग लगातार चल रहे हैं, उनके संगठन के लोग छोटे से छोटे चुनाव में भी काम कर रहे हैं, और वहीं पे जब मैं विपक्ष को देख रहा हूँ, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी चलिए गुजरात में थोड़ा बहुत लड़ भी रही है, लेकिन बाकी विपक्ष कहीं ना कहीं अभी बैकफुट पे नजर आ रहा है। आप सही कह रहे हैं कि बैकफुट पे नजर आ रहा है, लेकिन 24 आने दीजिए ना, आप धीरे धीरे आप आने का इंतजार कर रहे हैं। संजय जी सुन लीजिए, पूरे के पूरे लामबंद होने जा रहे हैं और 24 में सरकार इनकी बदलने वाली है, पूरा विपक्ष चाहो केजरीवाल 24 का इंतजार कर रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए, सुन लीजिए सर, आप अभी 24 का इंतजार कर रहे हैं, और उधर बीजेपी छोटे से छोटा, अभी आप नगर पंचायत का चुनाव देख लीजिए, उसके लिए मीटिंग पे मीटिंग बीजेपी वाले कर रहे हैं। कर लेने दीजिए सब, वो तो एक हिंदू का अफीम मीटिंग कर रहे हैं ना, अपने संगठन की मीटिंग कर रहे हैं अफीम के बल पे। एक बात जान लीजिए, अब राशन पे लोग वोट देने वाले नहीं है, अब लोग बदलाव चाहते हैं, 10 साल झेल चुके हैं, ये 15 लाख खाते में इनके नहीं आए, और नौजवान भी 37 लाख नौजवान परीक्षा देने गया था ना पेट की, और 4 लड़के इलाहाबाद में कट के मर गए ना, और यहाँ 15 लाख दिया जला और 35,000 लीटर तेल जो है कड़ू का वहाँ लगाया गया, यहाँ खाने के लाले पड़े हैं, और इधर अच्छी बात नहीं है, अगर मान लीजिए आपके धर्म को बढ़ावा मिल रहा है तो अच्छी बात नहीं है। धर्म को बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन देश को गुलाम बनाया जा रहा है इनडायरेक्ट में, और देश को लाचार बनाया जा रहा है, और देश के नौजवानों को मूर्ख बनाया जा रहा है। नौजवानों को नौकरी चाहिए, बेरोजगारी का सवाल है, महंगाई का सवाल है, भ्रष्टाचार का सवाल है, इस पे तो कोई काम नहीं हो रहा है। सब मिला जुला के संजय जी यह कहना चाहते हैं कि आप धर्म के मुद्दों पर आगे बढ़िए, लेकिन धर्म के साथ साथ वो तमाम मुद्दे जो बेसिक मुद्दे जो किसी भी देश को आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, ध्यान देने की जरूरत है। ये तो गुमराह कर रहे हैं लोगों को एक से गुफा फेंक के, और वही काम केजरीवाल जी भी कहे, इधर हम भी ला लें कुछ, तो लाने वाला कुछ नहीं है, ये सब लोग इकट्ठा होके इधर रहेंगे, अब देखते रहेगा तमाशा। चलिए, तो सब मिला जुला के अरविंद केजरीवाल जी का यह बयान था कि भारतीय नोटों पर अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए हिंदू देवी देवताओं के की तस्वीर लगाई जाए, उसमें से जो दो नाम उन्होंने लिया था, पहला गणेश जी का और दूसरा लक्ष्मी जी का, इन दोनों लोगों का नाम उन्होंने लिया था और इंडोनेशिया के नोट का हवाला दिया था। इसी के मद्देनजर ये तमाम बातचीत थी। संजय जी अरविंद केजरीवाल के इस बयान से थोड़ा भी जरा भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं, बाकी यह चर्चा पहली बार इनसाइड भारत टीवी धार्मिक मसलों पर चर्चा किया है, लेकिन हमारा उद्देश्य हिंदू मुस्लिम करना बिल्कुल भी नहीं था। मैं आपको बता दूं, मेरा इनसाइड भारत टीवी का हमेशा से ये कॉन्सेप्ट रहा है, इनसाइड भारत, भारत प्रथम और भारत की जो बेसिक जरूरतें हैं, भारत के जो असल मुद्दे हैं, उनको हम आपके सामने लाते हैं, लेकिन चूंकि अर्थव्यवस्था की बात हो रही थी तो मुझे लगा कि इस पर बातचीत होना जरूरी है। बाकी कमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं आयुष, मैं विकास गोस्वामी, और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। जय हिंद।